चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने धमकी आमेज खत के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन तहरीक अदम एतमाद में बैरूनी साजिश की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम सुरखरू हुए जबकि अपोजिशन अवाम में जाने से घबरा गई। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पीटीआई को मुसालहत की पेशकश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसमें मुबैना धमकी आमेज़ मरासले को पब्लिक करने से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और आईजी पंजाब फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में वज़ीर आला का ओहदा खाली है, इस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। पहले ही कहा था कि इस्तीफे दो, असम्बलियाँ तोड़ो और नए इलेक्शन करा दो। शेख रशीद ने कहा कि कोई समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एफआईए ने रिपोर्ट जमा करवा दी। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने कहा एसओपीज की पामाली की और वो सेक्शन लगाए गए जो लगते ही नहीं। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स विद ऑल स्टेट। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने बताया कि हुकूमत ने आलमी साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन खुद अपनी तहकीकाती टीमें बना सकेगा। कमीशन मामले के पीछे छुपे किरदारों को कौम के सामने लाए और तहकीकात करेगा कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश कहां से शुरू हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे। वफाकी काबीना ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जमीन खरीदने की कोशिश की गई। वजीर आजम के खिलाफ ये अमूमी तहरीक अदम एतमाद नहीं है, अगर होती तो हम इसे खुश आमदीद कहते। वजीर इत्तला'आत ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद बैनुल अक्वामी साजिश के तहत लाई गई। कल साजिश से मुतालिक असल रिकॉर्ड अरकान असेंबली के सामने रखा जाएगा। मखसूस लोग हैं जिन्हें मालूम था ये साजिश कहाँ बनी, देखा जाएगा मकामी हैंडल्स कौन थे। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इजलास तलब किया और हैरत अंगेज फैसला किया कि मुनहरिफ अराकीन वोट डाल सकते हैं, जबकि मुनहरिफ अराकीन का केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास था ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजर सानी करे। हम फैसले पर नजर सानी के लिए अदालत जाएंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती अब नहीं रही, अब पार्लियामान की हाकमियत सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल हो गई है। तहरीके इंसाफ का पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला वज़ीरे आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने आवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला किया। इजलास में खत में मुबैना साजिश को पब्लिक करने या ना करने से मुतालिक तजावीज दी गयी। अराकीन ने खत की राजदारी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज दी। वजीर आजम ने कहा की अपोजिशन के बैरूनी साजिश का आलाकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। आवाम ने सब देख लिया कि सब चोर डाकू एक जगह इकट्ठे हो गए। ओपोजिशन आवाम में जाने से घबरा गई है। हम आवाम में सुरखरू हुए हैं, उनका हर सतह पर मुकाबला करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुसालहत की पेशकश अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की, जबकि ये पेशकश इंतखाबी असलाहत तक महदूद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, जबकि इसहाक डार रवा माह के आखिर तक वतन वापस आएंगे। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि मरासले को पब्लिक करने के लिए आज काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म से सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात, मुबैना धमकी आमेज मरासले पर मशावरत। इमरान खान ने धमकी देने वाले अमरीकी अहदेदार का नाम बता दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में वजीर आला का ओहदा खाली है, उस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि जब तक वजीर आला का इंतखाब ना हो, तब तक आईन के आर्टिकल 130 के तहत असेंबली का इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता है। दरख्वास्त में जिन अफराद को फरीक बनाया गया है, उनके बारे में कहा गया है कि वो अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अदालत जल्द हुक्म जारी करे और इंतखाब मुमकिन बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 69 के तहत असेंबली की कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने हाई कोर्ट ऑफिस के एतराज़ात पर समाअत की, जिस दौरान हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारर ने दलाल देते हुए कहा कि स्पीकर खुद वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर आईनी काम कर रहे हैं, असेंबली को तो ताले लगाकर बंद कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती और बंदों को खरीदती हैं, गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में कुव्वत मुसल्लत करना चाहती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था कि इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ के सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी। गंदी नाली के ईंटों को इक्तदार के महल में लगाया जा रहा है। बैरूनी ताकतें हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर मुसल्लत होना चाहती हैं और बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं और बंदों को खरीदती हैं। पहले बड़े चोरों को सेहत के बहाने बाहर भगाया जाता है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। कौम को सब पता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किसने किया है। शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान को मशवरे दिए थे, मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था कि इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा दो और असेंबली तोड़ दो। मैं उस वक्त भी ठीक था जब कहता था एमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज ले आओ। मैं अब भी कहता हूं कि हमें यक जबान होकर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। हमें बाहर निकलना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि अपोजिशन वालों के असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं और ये वो गैर साम्राज्य सुंडियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खा जाएंगी। उनके खिलाफ यही एक ही हल है, आखिरी ऑप्शन ये है, हम इस्तीफे दे दें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने SOPs रखे और उनको ही पामाल भी किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। वफाकी तहकीकाती इदारे हुकाम की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई तो जवाब दें, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। अदालत के सामने SOPs रखे और उन्हीं को पामाल भी किया गया। SOPs की पामाली की और वो सेक्शन लगाए गए जो लगते ही नहीं। डायरेक्टर FIA बाबर बख्त कुरैशी ने मौकफ इख्तियार किया कि कानून बना है और अमल करने के लिए दबाव आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपने किसी आम आदमी के लिए एक्शन लिया। लाहौर में FIR दर्ज हुई और इस्लामाबाद में छापा मारा गया। बाबर बख्त कुरैशी ने कहा कि FIR से कबल भी गिरफ्तारी डाल देते हैं, फिर बरामदगी पर दर्ज करते हैं। जस्टिस अथर मनुल्ला ने कहा कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, किस कानून के मुताबिक गिरफ्तारी डाल सकते हैं, आप अपने अमल पर पशेमा तक नहीं और दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहाफी की निगरानी की जा रही है, क्या ये FIA का काम है? सहाफी ने ब्लॉक किया था और किताब का हवाला दिया था तो कार्रवाई कैसे बनती है? मुल्क में कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है, ये तारीख है, लोग बातें करते हैं। चीफ जस्टिस ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया और कहा कि किसी का तो एहतसाब होना है, कौन जिम्मेदार है आज ऑर्डर करना है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक TV पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक TV पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक TV पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक TV पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक TV पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक TV पाकिस्तान।